पावरफुल मंजा होनी चाहिए। बाबा कहता है लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति हो तब हम वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अगर मंजा कमजोर है ना, जैसे हम कहते हैं 0 वॉट का बल्ब चल रहा है कितनी रोशनी होगी, 100 वॉट का बल्ब चल रहा है कितनी रोशनी होगी, और 1000 वॉट का बल्ब चल रहा है और 1 लाइट हाउस है सर्च लाइट है, अंतर होगा। तो 100 वॉट का बल्ब एक कमरे को रोशन करेगा, 1000 वॉट का बल्ब एक मैदान रोशन कर देगा, 1 लाइट हाउस मीलों दूर तक भटकते हुए जहाज को भी रास्ता दिखा देगा। तो अगर मेरा 0 वॉट का बल्ब है तो कितने वाइब्रेशन फैलेंगे। तो मनसा पावरफुल हो उसके लिए अटेंशन देने की जरूरत है। और मनसा कमजोर कैसे होती है, हमारी मनसा सेवा की बाबा ने विधि बताई है। अगर हम उस विधि पूर्वक करते हैं तो ही हमारे मनसा वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं और हमें सफलता मिलती है। तो मनसा सेवा शुभ भावना शुभ कामना की सेवा है। जिस भी आत्मा के प्रति या अनेक आत्माओं के प्रति हमें जो सेवा करनी है उनके प्रति हमारी कौन सी भावना होनी चाहिए, सदा शुभ भावना श्रेष्ठ भावना, सदा निस्वार्थ भाव, सदा दातापन की भावना हो, सदा परोपकार की भावना हो। ऐसे नहीं कि हम कर रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए, साथ साथ रहने की भावना चाहिए, या हमारी फीलिंग्स चेंज होती रहे। कभी कभी हम शुभ भावना रखते हैं, कभी कभी दुर्भावना भी हो जाती है, क्योंकि जिसके प्रति हमें मनसा सेवा करनी है कहीं ना कहीं वो आत्मा विघ्न रूप है। ऐसा ही कहेंगे तभी हम उसके प्रति मनसा सेवा करने की बात सोचते हैं। हम दो तरह से, या तो हमें उस आत्मा का कल्याण करना है, हम चाहते हैं कि वो बाबा से अपना वर्षा ले पाए, उसका भी भागी बन जाए, या तो ये भावना है, या फिर वो आत्मा कहीं ना कहीं कोई विघ्न रूप है तो वो विघ्न विनाश करने के लिए भी हम वो मनसा सेवा करते हैं। लेकिन उनके कर्मों के कारण हमारी भावनाएं अगर बदल जाती हैं, उनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते या उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, हम रहते उनके साथ ही हैं या उनके आसपास ही, हमारा उनके साथ कोई कर्म का हिसाब किताब संस्कारों का टकराव है, तो भावनाएं सदा शुभ नहीं रह पाती। तो फिर अगर हम उस आत्मा के प्रति वो सेवा कर रहे हैं तो उतनी सफलता हमें नहीं मिलेगी। कई भाई बहन ये शिकायत करते हैं कि बहन जी हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं होता। कई बार बच्चों के लिए ही करते हैं, कई बार माताएं पति के लिए करती हैं या पति अपनी पत्नी के लिए करते हैं, ज़्यादा उनके प्रति ही हमारी भावना होती है कि इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे उनके साथ ही हमारा व्यवहार है तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा रहता है, और उसके कारण हमारी भावनाएं भी उनके प्रति सदा शुभ नहीं रहती, बदलती रहती है। और जब बदलती रहती है तो हम देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, इतना वाइब्रेशन दे रहे हैं लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विधि सही नहीं है। तो सिद्धि भी फिर नहीं मिलेगी। कोई भी चीज भी हम बनाते हैं ना रसोई में, तो उसके बनाने की भी सही विधि हमें प्रयोग करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ जो है उसका वही स्वाद होता है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ भी ये तो योग की इतनी ऊंची विधि है, तो फिर अगर हम उससे विधि पूर्वक नहीं कर रहे तो फिर जो स्थिति हम चाहते हैं वो हमें अनुभव